जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक का पावन महीना समापन की ओर है। जल्दी ही देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। अब आज इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा की जानकारी लेंगे, क्या करें, कैसे करें, इसी के साथ कुछ चर्चा कार्तिक मास व्रत उद्यापन विधि की भी करेंगे। शुरू करते हैं। देखो, कार्तिक पूर्णिमा पे व्रत का विधान है, इसका आप पूरी डिटेल जो कार्तिक महत्तम है उसमें भी सुनोगे। वैसे अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत नहीं कर रहे हो, पंच भीखू नहीं कर रहे, भीष्म पंचक नहीं कर रहे, या कार्तिक के महीने में आपने कोई भी व्रत नहीं किया है, तो भी मैं आपको कहूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जरूर कर लेना। देव दीपावली है और बहुत बड़ा दिन है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने से शिव पुत्र भगवान कार्तिक के साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पर ही भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली होती है, इसकी कथा आप कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा में जल्दी सुनोगे, उसकी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसी दिन सिख धर्म के जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनका जन्म हुआ था, इसलिए नानक देव जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। स्नान करने के बाद दान भी जरूर करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को दान देने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। इस दिन चावल के दान को विशेष माना गया है। इस दिन पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा करने से कुंडली में शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो हो गया कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। अब हम बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें, कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो देखो, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना और घर के मुख्य द्वार पे चौखट पे हल्दी का जल डालना। उसके बाद मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बना के पूजा करना, रंगोली बनाना। इसके साथ ही आम के पत्तों का तोरण, बंदरवान जिसको बोलते हैं, वो जरूर लगाना। ऐसा करने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और अपनी कृपा घर परिवार पे बनाए रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना। अगर पास में गंगा नदी है तो वहां पे जाके स्नान करना, क्योंकि गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सुबह के वक्त घी या तेल का दीप प्रज्वलित करना। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना। इसके बाद जल में चावल और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को जल अर्पित करना। भगवान शिव की भी विधिवत पूजा करना। घर में हवन पूजन करना। घी अन्न या खाने की वस्तु दान करना। शाम के समय तुलसी के नीचे दीप प्रज्वलित करना। सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना। याद रखना, पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना बहुत बहुत अच्छा होता है। मनुष्य पाप और कर्ज मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की भक्ति पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे शाम के समय जो दीपदान मैं बताती हूँ, आकाश में दीपदान, वो करना। घर में, मंदिर में, चौराहे पर, पीपल के वृक्ष में, तुलसी के पौधे के पास दीप जरूर प्रज्वलित करना शाम के समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार बहन भांजे बुआ बेटी को दान के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की प्रथा है, इसलिए बहते पानी में दीपदान जरूर करना। अगर ऐसा संभव ना हो तो शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर और शहद, गंगा जल, कच्चा दूध और जल चढ़ाना। फिर देसी घी के 5 दीप प्रज्वलित करना। ये दीपक शिव परिवार के नाम से जगाए जाते हैं। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह और शाम दोनों समय दीप प्रज्वलित करना। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरसों का तेल, काले वस्त्र किसी निर्धन व्यक्ति को अवश्य दान करना। कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन समृद्धि और सौभाग्य के लिए तुलसी की विशेष पूजा करना।
इस दिन तुलसी पूजन करते हुए तुलसी के पौधे के नीचे दीप प्रज्वलित करना। इसमें हम 365 बत्ती का लगाते हैं या 108 बत्ती का दीप जलाते हैं। अच्छा, इस दिन 31 दीप जगाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सुख सौभाग्य की कामना करी जाती है। शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा घर के ऊपर सदैव बनी रहती है। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नज़र से भी बचाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुलसी आपके आंगन में होती इसीलिए है ताकि अगर बाहर से कोई नज़र लगा रहा है घर को या कोई परेशानी घर पे आ रही है तो उसको तुलसी महारानी अपने अंदर ले लेती है, वो खुद मुरझा जाती हैं बट आपके घर को बचा लेती है। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति के लिए और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव की नगरी काशी यानी बनारस में देव दीपावली बनाई जाती है। देव दीपावली के दिन भगवान शिव और गंगा माता की पूजा की जाती है। शाम के समय गंगा आरती होती है और वो सच्ची देखने वाली होती है, बड़ी आनंदमयी। जो भक्त पूर्णिमा से चातुर्मास व्रत सेवा नियम या कार्तिक नियम उठाते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा पर ही अपने व्रत सेवा नियम का उद्यापन करते हैं। चर्चा करते हैं कि जो हमने कार्तिक का व्रत रखा, कार्तिक का स्नान करा या कार्तिक में कोई नियम लिया, उसका उद्यापन कैसे करेंगे। तो देखो, याद रखो, पहले तो दो तरीके के उद्यापन होते हैं। किस किस तरीके के? पहला तो होता है पूरी तरह व्रत समाप्त करना, इसे सही मायनों में उद्यापन कहा जाता है। दूसरा होता है आज किए हुए व्रत का समापन, इसे व्रत का पारण या व्रत का विराम कहा जाता है। कार्तिक मास में जो लोग पूरे महीने स्नान व्रत करते हैं उनके लिए भी उद्यापन का विधान बताया गया है, पर ये उद्यापन होता है अपने महीने भर के व्रत का पारण। देखो, कार्तिक मास को क्या कहते हैं, ये महीना स्नान दान व्रत और जप के लिए सबसे उत्तम होता है और वैकुंठ की प्राप्ति के लिए महिलाएं 12 सालों तक कार्तिक मास में सुबह स्नान करती हैं, दान वगैरह देती हैं, फिर 13वें साल पूरे विधि विधान से अपने कार्तिक व्रत का उद्यापन करती है। ये होता है जो 13वें साल आप करोगे, ये होता है पूरी तरह व्रत की समाप्ति। वही कई बार क्या होता है कि हम हर साल नियम तो निभा पाते हैं, मतलब जैसे इस साल तो मैंने कार्तिक व्रत कर लिया, बहुत अच्छे से करा, सब बहुत बढ़िया हो गया, पर अगली बार शायद, क्योंकि हम गृहस्थी में, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो अगली बार शायद कुछ परेशानी आ गई और मैं नियम नहीं उठा पाई। उस स्थिति में मैंने जो इस साल व्रत किया है ना, उसका फल भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उद्यापन नहीं करते फल नहीं मिलता है ना, क्योंकि पूर्ण फल तो 12 साल पूरा होने पर भी मिलेगा। इसीलिए हमारे संत महात्माओं ने हमें बताया है कि हर साल व्रत समापन पे अपने व्रत का उद्यापन पारण की तरह कर लो, ताकि इस साल किए गए व्रत का फल हमें इसी साल में मिल जाए। इसलिए हम सबको कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर अपने व्रत समापन पे कुछ ना कुछ करना जरूर और उसे अपने महीने भर की साधना व्रत का पारण समझ लेना, ठीक है। अच्छा, व्रत उद्यापन की शास्त्रीय विधि हमने कार्तिक महत्तम के अध्याय में सुनी है, पर हर कोई उस विधि को फॉलो नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए साधक अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा अर्चना दीपदान उद्यापन के साथ व्रत का विराम किया जाता है। कार्तिक मास में आप चाहें जो भी व्रत का चयन करें, लेकिन उद्यापन करते समय जोड़े से ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। जोड़े से मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को एक साथ बिठाकर भोजन कराना। इसी के साथ किसी भी वृद्ध महिला को साड़ी और सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री भी जरूर देना, बहुत फलकारी होता है। हमारे कार्तिक महत्तम में ये बताया गया है कि अगर कोई असक्षम है, असमर्थ है और वो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भी नहीं जिमा, वैसे तो देखो 33 ब्राह्मण ब्राह्मणी जिमाने का विधान है, पर अगर वो एक भी नहीं जिमा सकता, बहुत गरीब है, नहीं पॉसिबल हो रहा, तो फिर वो गौ को खिला दे। अगर गौ भी उसके आसपास नहीं है तो फिर वो पीपल की पूजा करते और पीपल के पेड़ पे ही जो उसको कुछ रखना है वो रखते। पतवारी विसर्जन हम कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपिता को करते हैं। सुबह चिड़ाचिड़ी की कहानी करते हैं, पूजा करते हैं, फिर पतवारी माता का विसर्जन किया जाता है। देखो, हम अश्विन पूर्णिमा को पतवारी बोते हैं, पूरे कार्तिक उसकी पूजा करते हैं, ये बहुत ही शुभ होता है। अगर आपने ज्वार से पतवारी बोई है तो उसमें से कुछ फले निकाल कर अपनी अलमारी या तिजोरी या जहाँ पे भी आप पैसे रखते हो वहाँ रखो, बाकी जो होता है उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। कई बार काफ़ी सारी औरतें मिलकर मंदिर या पूजा की जगह पे एक साथ पतवारी बोती हैं, वो सभी थोड़े थोड़े ज्वारे अपने घर ले जाती हैं।
बाकी जो बचता है मिट्टी और वो उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। अच्छा, इसी में हम चार पत्थर से भी पथवारी बनाकर तुलसा जी के पास रखकर उसे पूजते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। इन पत्थरों को या तो तुलसा जी में ही रहने देते हैं या फिर संभाल कर घर के मंदिर में रख लेना चाहिए। देखो, चातुर्य मास व्रत का उद्यापन भी कार्तिक व्रत की तरह ही करते हैं, वही सेम विधान होता है। 21 ब्राह्मणों को जिमाना होता है या जोड़े से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर बुलाकर बढ़िया भोजन करा के दान दक्षिणा फल आदि देकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, ये उनका चातुर्य मास व्रत का उद्यापन होता है। देखो, बहुत सारे साधक है ना कार्तिक माह में तारा भोजन करते हैं। तारा भोजन मतलब पूरे महीने तारे को अर्घ देके फिर खाना खाया जाता है। व्रत के अंतिम दिन इसका उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। तारा भोजन लगातार 3 साल करने का विधान है। पहले साल 32 लड्डू 32 मट्ठी या कचौड़ी का दान किया जाता है। आप चाहो तो एक ही ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दे सकते हो या फिर अलग अलग लोगों को भी दे सकते हो। दूसरे साल ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को घर में जिमा कर मतलब उन्हें बुलाकर खाना खिलाकर कपड़े और दक्षिणा देने का विधान है। तीसरे साल 32 चांदी के तारे बनाकर उनका दान करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा दे, क्योंकि कार्तिक व्रत या भीष्म पच्चक व्रत का उद्यापन भी कार्तिक पूर्णिमा को ही किया जाता है। ब्राह्मण को भोजन करवा के दान दक्षिणा दे के संतुष्ट जरूर करना। जिन साधकों ने भीष्म पंचक व्रत किया है वो पूर्णिमा तिथि तक फलहार करके फिर अगले दिन प्रतिपदा को चिड़ाचिड़ी की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगा के अन्न खाकर अपने व्रत का पालन करेंगे। सभी साधक अगले दिन चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाना जरूर। कई साधक हैं जिन्होंने सिर्फ कार्तिक स्नान किया और कुछ नहीं किया, बट उनको भी ये जरूर करना चाहिए। याद रखना, कोई भी दान बिना दक्षिणा के अधूरा होता है, इसलिए अगर आप कहीं पर भी कुछ दान दे रहे हो तो उसके साथ चाहे 10 रुपए रखना चाहिए। अगर किसी साधक ने पूरे कार्तिक महीने नियम से दीपदान किया है तो उसे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन सोने चांदी या पीतल का दीपक लेकर बत्ती और देसी घी दान करना चाहिए दक्षिणा के साथ। कार्तिक के महीने में अलग अलग लोगों ने अलग अलग नियम लिए होते हैं, उनका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। जैसे अगर कोई साधक है जिसने पूरे महीने स्नान नहीं किया, कार्तिक का व्रत नहीं किया, बट उन्होंने कोई नियम ले रखा है, तो उसका भी उन्हें उद्यापन करना चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने में चप्पल जूते नहीं पहनते और नंगे पाँव रहते हैं, ये नियम लेते हैं, वो कार्तिक पूर्णिमा को खड़ाऊ या चप्पल का दान करके नियम छोड़ते हैं। जो लोग पूरे कार्तिक के महीने नमक नहीं खाते उन्हें कार्तिक पूर्णिमा को चीनी का दान करके वापस नमक खाना चाहिए। बहुत फलकारी है कार्तिक पूर्णिमा, इसका उपयोग जरूर करना। बहुत नसीबों से हमें ये कार्तिक करने को मिलता है, आपने किया है, मेहनत की है, तो इसका उद्यापन जरूर करना। कार्तिक महत्तम जो हम सुनते हैं उसका भी उद्यापन होता है, तो कार्तिक महत्तम जिससे भी सुनते हैं उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है। अगर आपने हमसे सुना है तो मेरे नाम से 11 रुपये किसी मंदिर में दान कर देना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फ़ोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर हमें 9821025 पर मैसेज करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।